हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। तो भक्त की पहचान होती है ना तो उसको नरक चाहिए और ना उसको स्वर्ग चाहिए, ना उसको मुक्ति चाहिए ना उसको सिद्धि चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से राम जी ने पूछा कि बेटा मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए तुझे। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर मांग की राम जी से। राम जी से कहा कि प्रभो चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। हमारी लिस्ट में जो प्रियोरिटी में जो चीजें होती है ना, सबसे पहले तुलसीदास जी ने उन्हीं को कट किया कि ये चीज नहीं चाहिए। चाहिए क्या वो बाद में बताए, पहले कहा ये नहीं चाहिए। चहो न सुगति, अच्छी गति मुक्ति नहीं चाहिए। सुमति, अच्छी मति अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। आप कहोगे ये तो बड़ी अजीब बात, अच्छी बुद्धि क्यों नहीं चाहिए। बोले यहाँ पर विनोबा भावे जी ने इसका अर्थ किया है। भावे जी का रामायण रामचरित्र के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, तो उनसे पूछा कि तुलसीदास जी ने सुबुद्धि का भी क्यों मना कर दिया, जबकि हम कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात, अच्छी बुद्धि मिले सद्बुद्धि मिले। तो भावे जी कहते कि अगर मैंने भगवान से बुद्धि सद्बुद्धि मांग ली, उसके बाद हर चीज का निर्णय करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, सही का गलत का पाप का पुण्य का। क्योंकि भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, अब उनका काम खत्म। अब पाप करूंगा तो मेरा फल होगा, पुण्य करूंगा तो उसका परिणाम मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भगवान बुद्धि है ही नहीं, हम तो जैसे सब भले बुरे आपके, तो फिर सारा फल भगवान का, उसमें फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा भी बुरा भी सब फल भगवान के हैं। तो चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। संपत्ति मतलब वही जिसको हम दीपावली पर घरों में खोल के बैठ जाते, लक्ष्मी जी पधारो। हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो समझा, रात संध्या के समय दरवाजा मत लगाना, लक्ष्मी जी आती हैं लौट जाएंगी। खूब प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जहां से आ जाए जैसे आ जाए। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं वो संपत्ति भी नहीं चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। ना तो रिद्धि चाहिए ना सिद्धि चाहिए और ना विपुल बड़ाई, बड़ाई भी नहीं चाहिए, प्रशंसा भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आदमी इतना त्यागने की बातें करेगा तो उसकी बड़ी बड़ाई होगी, अरे बड़े त्यागी हैं, बड़े महापुरुष हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे वो बड़ाई भी नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, तो फिर क्या चाहिए तुझे। राम जी ने कहा बेटा बता तुझे क्या चाहिए। तो बाबा तुलसी ने कहा कि हेतु रहित मांग। देखिए कैसा मांगना चाहिए, हमारे जैसा नहीं कि माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। खासकर शहरों की मैया, दिल्ली साइड की मैया तो बहुत मंडली बना बना के वही ढोलक मजीरा लेके खूब संकीर्तन करिए भजन करिए, उसमें मना ही नहीं, पर मांग की क्या आवश्यकता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं हेतु रहित अनुराग राम पद। हे गोविंद, हे राम जी, अगर आपको कुछ देना है तो हेतु रहित, जिसमें कोई मेरी मनोकामना ना हो, जिसमें मेरी कोई इच्छा ना हो, निष्काम अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। अभी मांग पूरी नहीं हुई है, अभी बच रही है। राम जी बोले कि चल बेटा मैं तुझे भक्ति दे देता हूँ, तूने इतने प्यार से मांगी। तो कहा ना ना ना, अभी राम के चरणों की भक्ति तो चाहिए, पर एक शर्त भी है उसमें, शर्त के साथ चाहिए। शर्त कौन सी? तो कहा हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई,
भक्ति भी ऐसी नहीं चाहिए जो कभी घटी कभी नीचे गई, बढ़े अनुदिन, हर रोज बढ़े, हर क्षण बढ़े, हर पल मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी राम चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए जो दिन रात पढ़ती रहे, दिन रात। अब बजाओ ढंग से।